नमस्कार, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर देखते हैं, मेक बाजार से हमने पार्सल ऑर्डर किया था जो कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट मैंने मंगाया था, और इस जो पार्सल में लिखा गया था, पहले इस वीडियो बनाए फिर इसको ओपन करें। वैसे तो मैं हर बॉक्स की अनबॉक्सिंग करता हूँ अपने चैनल पे, तो आइए देखते हैं जो मैंने पार्ट्स मंगाया था वो सही तरीके से हमें डिलीवर हुए हैं कि नहीं। इसमें मैंने RC रिसीवर और डिफॉगर वगैरह कुछ स्पेयर पार्ट मंगाया था जो कि इलेक्ट्रॉनिक में यूज़ होते हैं। तो ये नया एक मुझे साइट दिखा जो कि ये किसी तरीके का मेरे चैनल पर प्रमोशन नहीं है किसी वीडियो का, मतलब किसी साइट का। तो इस पर मैंने देखा ये ऑर्डर होने पर क्या ये प्रोडक्ट सही से डिलीवर हो जाता है कि नहीं मेरे ये गांव में। तो हाँ, ये लगभग 3 से 5 दिनों में लगभग ये डिलीवर हुआ। ये देख सकते हैं RC का, ये एक कार मैंने रिपेयर के लिए मंगवाया है, RC का सर्किट बोर्ड, तो ये रिपेयर के लिए ऑर्डर किया था। इसके साथ अकेले मंगवाने पे कॉस्टली पड़ रहा था। तो ये डिफॉगर एक तरीके से है आपका, ये भी PCB उसके साथ आया, इसको भी चेक करेंगे अभी वीडियो में। और देख सकते हैं इसके अंदर और भी सामान है हमारे बॉक्स में। तो ये है मॉडुलर बक कन्वर्टर एक तरीके से, और एक मैंने BMS भी मंगाया था, यहाँ पर देख सकते हैं BMS टाइप C कनेक्टर में, दो मॉडुलर है, दो BMS है। बस इतने ही पार्ट मंगवाया था जो कि इसकी कॉस्ट लगभग अराउंड 600 के समथिंग था। तो डिलीवरी चार्ज इसमें ऐड होके आया है, मतलब डिलीवरी। अब इसमें एक है आपका रिमोट वॉल्यूम कंट्रोलर, मतलब वोल्टेज रेगुलेटर है एक तरीके से, वो भी मोटर का, उसको भी चेक करेंगे। और ये दो हमारा BMS था, और बॉक्स खाली होने पर देखिए कुछ नहीं है इसमें, बस इतना ही। ये अमेज़न की तरह ये भी पार्सल आया है, पर ठीक है, इसमें थोड़ा कॉस्टली पड़ा, पर ये है कि जो हमें जो RC कार की प्लेट है, सर्किट है, वो थोड़ा सस्ता पड़ा मुझे अदर साइड से। और इसके साथ साथ मुझे कुछ आइटम भी मंगाना पड़ा क्योंकि इसका